Welcome students. Welcome to our channel. And uh, this is third and final part of resistivity. And uh, in this part, we are going to solve some numericals and objective questions. The topic is from electricity class 10 science. Okay, this is the formula for relation between resistance and resistivity. We know that resistance directly proportional to length. And resistance is inversely proportional to एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मटेरियल ऑल्सो यूनिट ऑफ रेजिटिव वायर ऑफ रेजिस्टेंस फोर पॉइंट फाइव ओम इफ देंथ ऑफ अ वायर इज सिक्सटी सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस टू पॉइंट फाइव ओम ओके तो हमको क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि हमारे पास एक नाइक्रोम का वायर है ठीक है जिसका 60 सेंटीमीटर हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 2.5 पॉइंट ओम ओके सो अगर 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 2.5 पॉइंट ओम है तो जो 4.5 पॉइंट ओम वाला वायर होगा उसका लेंथ कितना होगा ठीक है सो so, यहाँ पे रेजिस्टेंस uh, और लेंथ के टर्म्स में बात कर रहे हैं सो so, यहां पे एक हिंट देता मैं आपको क्वेश्चन बाई योर

तो मतलब यहां पे लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है सेकंड क्वेश्चन अ पीस ऑफ ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम इज इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ टू ट्वाइस मतलब मान लो पहले लेंथ है L, तो बाद में लेंथ हो जाएगा टू एल और इंक्रीज टू ट्वाइस इज लेंथ ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन तो अगर उस वायर को हम लोग ड्रॉ करते खींचते खींच के लंबा कर देते हैं लेंथ को डबल कर देते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है बनाओ ओके okay. देखो फर्स्ट सिचुएशन में जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है दिस इज़ ओम ठीक है जब वायर को हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको खींच के लंबा कर दे देते हैं तब लेंथ हो जाएगा 2l एंड एरिया विल बी ए अपॉन टू हम लोग यहां पे वैल्यू रख देंगे एंड द आंसर विल बी एटी ओम A cylinder of a material is 10 cm long. So, length have length cross-section cross-section of uh, 2 cm, and resistance is 20 ohm. So, I think you can easily calculate resistivity in this case. To try to solve this question by yourself, the answer will be 4 ohm cm. Two wires having same cross-section and of same material, having lengths 5 cm and 7 cm respectively. Which wire? ज मोर रजिस्टेंस तो हमारे पास दो वायर है दोनों का क्रॉस सेक्शन मतलब ए का वैल्यू जो है वो सेम है सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है so किसका रेजिस्टेंस दोनों में ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक ही क्वांटिटी यहां पर अलग है देट इज लेंथ एंड रजिस्टेंस इज डायरेक्टली पोर्शन टू लेंथ सो यहां पे चूंकि इसका लेंथ ज्यादा है सेवन सेंटीमीटर वाले का इसलिए इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा द आंसर विल बी सेवन सेंटीमीटर बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्योंकि बाकी सभी चीजें जो है वो सेम है रेजिस्टिविटी और एरिया टू वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेवन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विच वायर हैज मोर रेजिस्टेंस सो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो इनवर्सिटी प्रोपोर्शन होता है ठीक है सो so, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस केस में चूंकि फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर वाला का एरिया कम है इससे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द टू द लेंथ ऑफ द वायर रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर रजिस्टेंस इज ऑफ़ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर ओके यहां पे आपको कैलकुलेट करना है रजिस्टिविटी यहां पर आपको करंट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ करंट इज द वैल्यू ऑफ करंट इज फाइव एम्पियर ओके okay. सबसे पहले अगर आपको लेंथ और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है सो so आपके पास केवल रेजिस्टेंस बचता है ठीक है तो रेजिस्टेंस ऑफ ओम्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे उसके बाद आप लोग वहां से रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज हंड्रेड ओम पर मीटर टू कॉपर वायर हैविंग सेम मेड अप ऑफ सेम मटेरियल Having cross section 2 cm and 5 cm square respectively, calculate ratio of their resistance. So, since uh, resistance is inversely proportional to cross section area, therefore the ratio will be 5 is to 2. Temperature coefficient of resistivity is change in resistance with temperature, fractional change in resistivity with tem temperature, C both A and B and D none of this so this is factual question so the answer is answer will be b this is fractional change okay fractional change in resistivity with temperature thank you for watching this video if you like the content share among your friends and subscribe